बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान मुबारक की 26 तारीख है, हफ्ते का दिन है। और कहते हैं जो बंदा रमज़ान मुबारक की 26 तारीख को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीब खोल देती है। रमज़ान मुबारक की 26 तारीख है, आज के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से जो भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफ़ा ये तस्बीह इतनी ख़ास है, अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के माल और दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन में ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाता है। इस महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को परेशानी को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पे कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियां हों, ना परेशानियां हों, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रमज़ान मुबारक की 26 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। आज मेरी तमाम बहनों भाइयों बेटियों माओं से गुजारिश है कि रमज़ान मुबारक की 26 तारीख हफ्ते का दिन 27वीं शब है, शब कदर है, ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मुसल्ले पे बिठाता और कहता कि आज थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लो। माह रमज़ान मुबारक की 26 तारीख हफ्ते का दिन बहुत बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाला घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज अगर 26 तारीख हफ्ते को लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल के ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, इंशाल्लाह पूरे साल की खुशियां आपकी झोलियों में डाल देगा। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफ़ा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन एक या दो मिनट निकाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आप लोग इस अमल, इस वजीफ़े को बिलखसूस कर लीजिएगा। जो शख्स भी ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से आज 26 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, और ये वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा इंशाअल्लाह। माह रमज़ान का महीना देखते ही देखते अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आज रमज़ान का 26वां रोज़ा हफ्ते का दिन है, और सूरह कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा और औरत जिसका भी नाम लेकर इस अमल को पढ़ेगी, इसके मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, और इस घर से फिक्र फाका और गुरबतों का, तंगदस्तियों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। भाई रमज़ान का महीना हर किसी के लिए बरकत बन के, रहमत बन के आता है। रमज़ान का महीना आते ही शैतान को जकड़ लिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। रमज़ान के महीने में हर घड़ी में खुशियां, रहमतें, बरकतें आ जाती हैं। रमज़ान के महीने में हर घर का रिज़्क बढ़ जाता है। आज मांगने का दिन है, रमज़ान करीम का मुबारक महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंद का महीना है। एक एक घड़ी, एक एक लम्हा कबूलियत का है। आज मौका है, इस मौके को ज़ाया ना करना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाइल, बहुत से अमल आपके हवाले करता रहूँगा। आज 26 रमज़ान हफ्ते के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद बावजूद मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई सब पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ना है, सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मांग लें, आप बेऔलाद हैं, औलाद मांग लें, आप मनपसंद नौकरी, शादी, कारोबार में तरक्की और उज कामयाबी, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए आप ये वजीफ़ा, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन आज रब करीम से मांगते वक्त हिचकिचाना मत। आप किसी बंदे से नहीं बल्कि अपने रब करीम से मांग रहे हैं। इसके खजाने कभी ख़त्म नहीं होते, जिसके वसी खजाने हैं
आज एक बार मांगोगे 70 गुना ज्यादा दिया जाएगा। अपने मकसद की नीयत करने के बाद आज हर नामुमकिन हाजात इंशाल्लाह वो मुमकिन हो जाएंगे। फौरी तौर पर अपनी नामुमकिन हाजात को नियत करके एक बार आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म और आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा इसम आदम का रब की ऐसी सिफात का वजीफ़ा है जिसको पढ़ने पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात हट जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बिबुल असबाब का मतलब है कि गैब से असबाब बनाने वाली ज़ात, गैब से रास्ता बनाने वाली ज़ात, गैब से मदद भेजने वाली ज़ात, गैबी फरिश्तों की मदद से चाहते हो तो रमज़ान के 26 रोज़े को पहले नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। जो कोई बंदा रमज़ान के महीने में या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ता है तो रब की ज़ात अपने नाम या अपने मुसब्बिबुल असबाब के तफ़ैल इतने रास्ते बनाते हैं कि बिगड़े काम संवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियाँ मुकद्दर हो जाती हैं, आप जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र न मिल सका आज 26 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ कर देखेगा। या मुसब्बिबुल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब दो बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब तीन बार हो गया। या मुसब्बिबुल असबाब को आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाल्लाह। सिर्फ 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते साथ ही हर तरह के मसाइल का, हर तरह की परेशानियों का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। आप यकीन कामिल के साथ ये वजीफा पढ़ लेना। ये मौका आज जिसको मिलेगा, आज जो बंदा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ेगा खुशकिस्मत से मुकद्दर वाला है। वो बंदा जो आज 26 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ेगा, आज लोग जब या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ लें, इसके बाद आप लोगों ने क्या अमल पढ़ना है, कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो सिफातिना या करीमू या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमू या अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा सिफाती नाम है, ऐसा बाबरकत और ऐसे मेरे रब की पाकीज़ा सिफत है कि हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिर्फ एक मर्तबा करम ही के तो मुश्ताक हैं। अगर रब्बुल आलमीन की रहमत की सिर्फ एक करम नवाजी हमारे ऊपर हो जाए, हमारे मुकद्दर संवर जाएंगे। या करीम या अल्लाह को आपने एक सांस में पढ़ना है। या करीम या अल्लाह एक बार हो गया, या करीम या अल्लाह दो बार हो गया, या करीम या अल्लाह तीन बार हो गया। इस तरह से अगर आप एक सांस में पढ़ेंगे तो एक सांस में 7 बार पढ़ना है और टोटल 28 बार पढ़ना है। यानी 7 बार एक सांस में पढ़कर फिर सांस ले लें, इसके बाद आपने 4 सांसों में 28 बार पढ़ना है। और अगर आप एक सांस में नहीं पढ़ पाते तो फिर आप अपने हाथों की उंगलियों पे या तस्बीह के दानों में 99 बार पढ़ेंगे। ना एक कम पढ़ना है, ना एक ज़्यादा पढ़ना है, 99 का मतलब है सिर्फ 99 बार ही पढ़ना है। आप लोगों को दो तरीके मैंने बता दिए हैं, दोनों तरीके बड़े मुजर्रब हैं, इनमें से किसी एक तरीके पे अमल कर सकते हैं। बस अपने मकसद की नियत आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप लोग अपने ऊपर किस चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम चाहते हैं। इंशाल्लाह अपने खास मकसद को लेकर बैठिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब आप पर करम नवाजी होगी तो यकीन करें रिश्तेदार भी दूर दूर से आपकी कामयाबियों का नज़ारा देखने आएंगे। इसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने यादुल जलाल वल इकराम को पढ़ना है। यादुल जलाल वल इकराम अल्लाह पाक का वो मुबारक नाम है कि अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ है। आपने कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, यादुल जलाल वल इकराम एक बार हो गया, यादुल जलाल वल इकराम दो बार हो गया, यादुल जलाल वल इकराम ये तीन बार हो गया। इस तरह से आप लोग यादुल जलाल वल इकराम हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप 11 बार ये लोग आप लोग यादुल जलाल वल इकराम पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर तिलावत के बाद फरमा लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر।
सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को जुबान याद है और सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है और फिर इसके बाद आपने सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत भी इस्तेमाल फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलहु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। जब 3 बार सूरह कौसर 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, इसके बाद 1 बार दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका आज का वजीफा मुकम्मल हो गया। अब रब्बुल आलमीन से इनामात लेने का वक्त है। अब आप हाथ उठा के जो दुआ मांगेंगे आप इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर दुआ को कबूल और मंजूर फरमाएगा। इंशाल्लाह जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसे मांगेंगे, मेरे रब की जात ज़रूर अता फरमाएगी। इस वजीफे को करते वक्त एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो आपकी हाजत है, जो आपका मकसद है, वो आपके जहन में हो, आपके तसव्वुर में हो कि आप लोग इस मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं। जब आप लोगों का मकसद आपके जहन में होगा, अल्लाह पाक इस मकसद में आसानियां फरमाता जाएगा, इस मकसद में आपके लिए कामयाबियां होती जाएंगी, अल्लाह पाक बेशुमार आपके लिए आसानियां करता रहेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वजीफ़ा जो मैं बताया वो उम्मीद है समझ आ गया होगा। सारे अच्छे अच्छे नाम मेरे रब के हैं, सारे अच्छे सवाब मेरे रब के हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इस रब करीम का कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। हसूल बरकत और स्वाद की नीयत से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।